नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी सजना फूल का पकोड़ा। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सजना फूल का पकोड़ा बनाने के लिए मैं सजना फूल ली हूँ, तो अच्छे से मैं धो ली हूँ। अब मैं गर्म पानी में उबाल लेती हूँ। तो देखिए, गर्म पानी में पहले ही चढ़ा दी थी, तो इसी में दे देती हूँ। मैं पानी ज़्यादा दी हूँ ताकि इसमें जो कस्सापन रहता है वो हट जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 मिनट तक उबाल ली हूँ। अब नीचे उतार के अब छान लेती हूँ। मैं ठंडा पानी देकर ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे निचोड़ के लेना है। को निचोड़ के ले ली हूँ। अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी देखिए। ये कटी हुई प्याज, कटी हुई हरा मिर्चा, गोटा जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इसे भी दे देती हूँ। बेसन, मैं इतना ही सारा डालूंगी, बाद में जरूरत लगेगा तो दूंगी। नमक, मैं नमक कम ही डालूंगी क्योंकि काला नमक दे के खाना है। अब मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ। इसका पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार आप लोग भी जरूर बनाइएगा। और मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर अब अच्छे से सान लेती हूँ। मैं ये सारा बेसन दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से मैं मिला ली हूँ। अब मैं पहले हाथ धो लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से मिला ली हूँ। अब मैं छानने का तैयारी करती हूँ, तो पहले मैं हाथ धो लेती हूँ। तेल गरम हो गया है दोस्तों, अब मैं छान लेती हूँ। इस तरह करके बनाना है। अब मैं पलट रही हूँ। अब मैं सुनहरा कलर होने तक होने देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सुनहरा कलर का हो गया है, निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह करके मैं सारा छान लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सजना फूल का पकौड़ा बन के रेडी है। तो देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग जरूर बनाइए। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ।